Very good morning, students. And this is our English class. So, last video में हमने हमारी poem read की थी. This is the first lesson of our English book. So, this poem is the world. And आज जो है हम उसकी exercises complete करने वाले हैं. Okay? So, first of all, we are going to discuss about the question answers. So, see. The question number one is, what are the things that make the world beautiful? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो world को beautiful बनाते हैं. Okay? So, here you can see the answer number one. Okay? ये जो है आपका answer number one है. Use mountains and water bodies, wonderful air, green grasslands, gardens, islands, cities and people living in it. आर द थिंग्स दैट मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल. ओके, तो वर्ल्ड को कौन कौन ब्यूटीफुल बनाता है? बड़े बड़े माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज जो हैं वो, इसकी वंडरफुल एयर इसे ब्यूटीफुल बनाती है, ग्रीन ग्रास लैंड, गार्डन, आइलैंड और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग पीपल लिविंग इन इट. ठीक है, वो सब के सब इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज़, वॉट डज द विंड डू? सो द आंसर इज़, विंड शेक्स द ट्री. हमने पोएम में पढ़ा है कि विंड क्या करती है, ट्रीज़ को शेक करती है. इट वॉक्स ऑन द वाटर, इट वेल्स द मिल्स, ये मिल्स जो हैं उनको भी घुमाती है. एंड इट मूव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स नॉइसली, और जो हिल्स हैं उनके ऊपर नॉइसली मीन्स इट टॉक्स टू इट्सेल्फ. हमने पढ़ा था ये लाइन पोएम में, तो वहाँ पर भी हमें ये दिखाई देती है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज, व्हाई डज द पोएट से टू द अर्थ, हाउ फार डू यू गो? एंड द आंसर इज, द पोएट सेज सो. पोएट ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज एज फार एज ही कैन सी, ही एंजॉयज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, सीइंग ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ. तो पोएट ऐसा इसलिए क्यों कहता है, क्योंकि जितनी दूर तक उसे दिखाई देता है, उसे ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड दिखाई देती है. वहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और वो सब देख सकता है. इसीलिए वो कहता है अर्थ से कि कहाँ तक जाती हो, कितनी दूर तक तुम जाती हो, मीन्स कितनी बड़ी हो तुम. नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज़, व्हाई डज द पोएट से टू द वर्ल्ड, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल? क्यों कहता है पोएट ये? तो द वर्ल्ड इज़ ग्रेट एंड इनॉर्मस, द पोएट इज़ जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड. वर्ल्ड जो है वो बहुत बहुत ही बड़ा हो है, और जो पोएट है हमारा वो एक छोटा बच्चा है. ही फील्स हिमसेल्फ लाइक अ टाइनी डॉट बिफोर द ग्रेटनेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो उसे लगता है कि वर्ल्ड के सामने वो क्या है, एक छोटा सा डॉट है. एंड दैट्स वाई ही सेज सो. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस. सो यहाँ पर एक्सरसाइज वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज नंबर बी. तो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है हम उसे टिक करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स हैज़ हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड? वर्ल्ड को उसने क्या क्या कहा है, ग्रेट कहा है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल और ऑल ऑफ दीज? सो आपने अगर पोएम ध्यान से पढ़ा है, दैट यू देन यू कैन से कि पोएट ने वर्ल्ड को ग्रेट भी कहा है, ब्यूटीफुल कहा है एंड वंडरफुल भी. दैट्स वाई द आंसर इज फोर्थ वन. तो दिस इज ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द वंडरफुल विंड शेक्स द ट्रीज, वॉक्स ऑन द रिवर, विल्स द मिल्स और ऑल ऑफ दीज. तो जो विंड है वो ट्री को शेक भी करती है, विल भी करती है मिल्स को, और रिवर के ऊपर मीन्स वाटर के ऊपर वॉक भी करती है. दैट्स वाई द अगेन द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ दीज टॉक्स टू इट्सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स?
तो कौन बात कर रहा है? वाटर, फायर और विंड. तो विंड इज टॉकिंग इट्सेल्फ, राइट. तो आंसर इज सी, विंड. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. हु सेज टू द पोएट यू आर मोर देन द अर्थ. किसने कहा था पोएट से आकर के कि तुम तो अर्थ से भी ज़्यादा हो, मीन्स तुम्हारा इम्पोर्टेंस जो है वो अर्थ से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, यू कैन लव एन थिंग. उसके फ्रेंड ने, हिज एडमायरर और विश्पर, या ऑल ऑफ दीज. सो एक विश्पर ने आकर के कहा था कि यू आर मोर देन द अर्थ. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, तो दैट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स बिफोर द स्टेटमेंट्स. सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. ओके, सो आपने पोयम में इसको रीड किया है कि वर्ल्ड कैसा है, ब्यूटिफुली ड्रेस्ड है, दैट्स वाई फर्स्ट नंबर इज करेक्ट. सेकेंड नंबर इज द ट्री इज नॉट सीकन बाय द विंड. विंड ट्री को शेक नहीं करती है, तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज द ट्रीज आर शेकन बाय द विंड. नेक्स्ट इज द पोएट ट्रेम्बल्स व्हेन ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड. तो यस, क्योंकि वर्ल्ड की ग्रेटनेस, कितना बड़ा है वर्ल्ड, ये सोच करके वो ट्रेम्बल कर रहा था. सो द थर्ड वन इज करेक्ट. एंड द लास्ट वन इज द अर्थ कैन लव एन थिंग. तो पोयम का जो लास्ट स्टैंजा है वहाँ पर हमने पढ़ा है दैट द पोएट, जो पोएट का विश्वर, उसने कहा था कि तुम छोटे से हो बट यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अर्थ कैन नॉट लव एंड थिंग. ठीक है, तो आप तो लव एंड थिंग कर सकते हो बट अर्थ नहीं. सो द लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, नाउ लेट्स सी द ग्रामर. चलिए तो अभी हम ग्रामर को देखते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटिंग मीन्स गिनना. सो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं. ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता है. ओके, जस्ट थिंक ऑफ वाटर. क्या वाटर को आप गिन सकते हो? नो, बट वाटर बॉटल्स कैन बी काउंटेड. लेकिन बॉटल जो है उसे काउंट कर सकते हैं. सो टॉयज, बुक्स, पेन, पेंसिल्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गिनी जा सकती हैं. तो दोज आर ऑल काउंटेबल. तो काउंटेबल्स जो होते हैं, काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं. सच एज वन पेन, मैनी पेन्स, टू पेन्स एंड वन फ्रेंड, फोर फ्रेंड्स, फाइव फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स. ओके, तो आपका जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर हो सकता है, यानी एक हो सकता है, और एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल हो सकता है. ठीक है, सो लुक एट द एग्जाम्पल. आई हैव अ नाइस टॉय एंड आई हैव मैनी नाइस टॉयज. तो इसका हम सिंगुलर और प्लूरल, टॉय इज सिंगुलर फॉर्म और जब हमने उसमें एस लगाया तो हो गया ट्वाइस, एंड दैट इज, दैट मीन्स कि वो कई सारे ट्वाइस हैं. ओके, नेक्स्ट इज आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक. सो यहाँ पर अ स्टोरी बुक मीन्स वन स्टोरी बुक. ठीक है, बट आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, इट मीन्स मैनी ऑफ द बुक्स या एक से ज़्यादा बुक्स. ठीक है, सो रिमेंबर दैट कि आपके जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर हो सकते हैं, उसमें एस ई एस लगा करके हम उन्हें प्लूरल बना सकते हैं. ठीक है, और जब वो सिंगुलर होते हैं तो उनके आगे हम ए या एन का यूज़ करते हैं. राइट, नाउ लुक एट द अनकाउंटेबल नाउन्स. तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स जिन्हें गिनना पॉसिबल नहीं है, सच एज वाटर, एयर, मिल्क. तो जब भी इनकी बात करते हैं तो हम वहाँ पर ए एंड एन का यूज़ नहीं कर पाते, ना ही हम इनका एस फॉर्म बना सकते हैं. जैसे वाटर्स, एयर्स, दिस इज़ ऑल रॉन्ग. ठीक है, गोल्ड्स इज़ ऑल्सो रॉन्ग. गोल्ड रिंग्स हो सकते हैं बट गोल्ड्स इज़ रॉन्ग. किसे? क्योंकि हम जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको या तो फेल करते हैं, ठीक है,
या फिर उन्हें हम मेज़र करते हैं, नापते या तोलते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी लिटिल, अ लिटिल, मच, अलॉट, यानी थोड़ा, ज़्यादा, बहुत सारा हो सकते हैं, बट उन्हें हम एक, दो और कई सारे में नहीं गिन सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज़ एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू द सेम थिंग। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसे आपको प्लूरल फॉर्म में राइट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंगली कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पर आपके चेंज होंगे। सो जस्ट सी द एग्जांपल नंबर वन, आई एम ईटिंग एन एप्पल, एंड इसका जो सॉल्यूशन है जहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड एप्पल का यूज़ किया है, तो हमने क्या देखा कि एप्पल टर्न्ड इनटू एप्पल्स, क्योंकि जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर से ए या एन अगर कोई है आर्टिकल तो उसे हटा देंगे। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल्स। नेक्स्ट इज आई हैव अ न्यू शर्ट, आई हैव सम न्यू शर्ट्स। यस्टरडे आई सॉ स्नेक, यस्टरडे आई सॉ स्नेक्स। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा स्नेक का स्नेक्स हो गया, न्यू शर्ट का न्यू शर्ट्स हो गया। ओके, सी इज़ अ ग्रेट वुमन। तो कुछ वर्ड्स जो हैं यहाँ पर एस एन ई एस का हम यूज़ ना करके वर्ड का जो मेन फॉर्म होता है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कर देते हैं, देन दे टर्न इन टू प्लूरल। तो ऐसा ही एक वर्ड है वुमन, तो वुमन जो है यहाँ पर एम ए एन होगा तो सिंगुलर होगा, और जब हम वहाँ पर स्पेलिंग में डब्ल्यू ओ एम ई एन राइट कर देते हैं देन इट इज़ प्लूरल। सी इज़ अ ग्रेट वुमन एंड दे आर ग्रेट विमन। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका जो वुमन है उसका स्पेलिंग चेंज हो गया है, और वैसा ही टूथ के साथ होता है, टूथ इज़ सिंगुलर एंड डबल ओ की जगह हम जब डबल ई का यूज़ कर देते हैं देन दैट इज़ द प्लूरल ऑफ टूथ। He has broken my tooth. He has broken my teeth. Okay, तो यहाँ पर भी स्पेलिंग में चेंज हुआ है. Okay, now exercise B is make 5 sentences using the countable nouns given in the box. Also use a lot of or much. A lot of या much का भी use करना है, और साथ ही साथ जो अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक टी, वाटर, पेन, ट्रुथ एंड म्यूजिक दिया हुआ है उन्हें भी आपको राइट करना है। ओके, देन तो दोज हैव बीन डन इन द बुक, यू कैन सी एंड राइट, एंड हियर कम्स एंड रिच योर वर्ड पावर, यानी वर्ड पावर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। तो ए नंबर इज टू फाइंड द अपोजिट, सो अगली को अपोजिट ब्यूटिफुल, बिग का स्मॉल या लिटल, बॉटम को अपोजिट होता है टॉप, एंड आउटसाइड का इनसाइड। ओके, नाउ हियर आर द इनहैबिटेंट्स, ओके, एंड द एनिमल्स। तो यहाँ पर वो एनिमल की पिक्चर से उनका जो भी रहने की जगह को कहा जाता है वो आपको मैच करना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ कैनल, तो हु लिव्स इन कैनल, अ डॉग, दैट्स वाई वी आर टू मैच द डॉग विद द कैनल। बरो, अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, एंड देन डेन, सो लायन लिव्स इन अ डेन, एंड स्टबल, सो हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल, हैन लिव्स इन अ कोप, एंड काउ लिव्स इन अ शेड। Okay, so this is all, and the next exercise is to write the rhyming words. Rhyming words are the words जिनका end जो होता है वो similar होता है. For example, round, sound, found, curl, hurl, whirl, purl, pray, tree, cray, okay, and so on. So complete these all exercises in your book only. Okay, next exercise is to
make the sentences using the following words of beautiful, wonderful, garden, seen and inside. Okay, so you should also complete all these exercises in your book, and if any confusion or doubt is there, you can ask me. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.